हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता ही है कि बीएड की काउंसलिंग और उसके कॉलेज अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया है, और उसमें कईयों को ये डाउट था कि जैसे किसी को कॉलेज अलॉट हो चुका है और वो वहाँ पर फीस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है और उसको नेक्स्ट काउंसलिंग भरना है, तो वो सोच चाहता है कि उसको नया कॉलेज अलॉट हो तो वहाँ एडमिशन ले ले। उसके रिगार्डिंग सभी को कईयों को कन्फ्यूज़न था, तो उसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो जब आप किसी कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर आप जाते हो और आपको वहाँ पर सीट अलॉट होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो। उसके बाद आप जो फीस सबमिट करवाओगे यूनिवर्सिटी की, उसमें आपको वहाँ पर एक आइकन होगा जिसमें आपको फ़ीस और यूनिवर्सिटी की फ़ीस 5,800 के समथिंग फ़ीस होगी, उसको सबमिट करवाते टाइम वहाँ पर एक बटन होगा जिसमें आप शिफ्ट ऐसा कॉलेज शिफ्ट का आएगा कुछ, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप कॉलेज की फ़ीस भी सबमिट कर सकते हो। और जो कि अगर आप कॉलेज चेंज करते हो तो आपको रिफ़ंड कॉलेज ही कर देगा वो, या तो उसको कॉलेज दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें आप एक कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज से दूसरे प्राइवेट कॉलेज में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसमें आपको जो टोकन होगा यूनिवर्सिटी का वो आपको दूसरे कॉलेज में सबमिट करवाना है, और जो आपकी फ़ीस होगी प्राइवेट में जो आपने 25,000 के समथिंग फ़ीस जमा की होगी वो प्राइवेट कॉलेज की पर्सनल ज़िम्मेदारी होगी कि वो दूसरे कॉलेज में जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और जो आपको अलॉट होगा सेकेंड या थर्ड राउंड में उस कॉलेज में, कॉलेज जिस कॉलेज में आपने सबमिट की है वो कॉलेज खुद ही उस फीस को दूसरे कॉलेज में सबमिट करवाएगा। और आप प्राइवेट कॉलेज से सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में भी इसको फीस को ट्रांसफ़र या सीट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके लिए भी सेम ही प्रोसेस रहेगा और प्राइवेट आपकी पूरी फीस रिफ़ंड कर देगा। और गवर्नमेंट सीट मिलने पर आपको जो 5,800 के समथिंग है उसमें से भी 800 के समथिंग आपको रिफ़ंड हो जाएगा, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को देनी पड़ेगी या कोई फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। आप गवर्नमेंट से सरकारी या सरकारी से प्राइवेट कहीं भी मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। सरकारी से सरकारी जैसे कि आप HPU से धर्मशाला करवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हो। इसमें आपको रिफ़ंड की भी फैसिलिटी मिल जाती है। और बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिसको सीट अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई सीट आपको सेकेंड या थर्ड राउंड में अलॉट हो जाएगी, और अदर स्टेट की सीट्स भी बाद में खाली रह जाती हैं तो वो भी आपको मिल सकती हैं ओपन में बाद में। थैंक यू।